तो इंस्टीट्यूट ना इसको लाइक साथ में लेता है प्रोसेस कॉस्टिंग और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को, लेकिन मैंने क्या किया है इसको एक सेपरेट टॉपिक दे दिया है एंड दिस योर चैप्टर नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज ए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स इक्वल। इक्वल मीन्स व्हाट? इक्वल टू फिनिश्ड गुड्स। मीन्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स दिस इज योर इक्वल। इक्वल मीन्स व्हाट? इक्वल टू फिनिश्ड गुड्स। ओके, नाउ सपोज व्हाट इज द सिचुएशन कि सपोज यू आर पुटिंग 100 kg ऑफ इनपुट। ओके, आर यू गेटिंग? सपोज यू आर पुटिंग, यू कैन से यू आर पुटिंग सपोज से 1000 kg ऑफ इनपुट। ओके, आपने मशीन के अंदर डाला सुगर केन, कितना डाला? सपोज से 1000 kg। आफ्टर दैट देर इज ए फिनिश्ड गुड्स। आपका फिनिश्ड गुड्स मीन्स जूस बन के आपको रेडी हो गया, जूस बन के रेडी हो गया 500 kg, राइट? एंड 500 kg अंडर द प्रोसेस है। दिस इज डब्ल्यू आई पी एंड डब्ल्यू आई पी इज ए 500 kg, राइट? और आपका कॉस्ट इनकर हुआ है सपोज से मटेरियल, सपोज लेबर एंड सपोज से ओवरहेड 7500, 7500, 7500। इट मीन्स टोटल आपका खर्चा हुआ है 22500। अब मेरे को पता करना है कि आउट ऑफ दिस 22500 हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर WIP। आपने टोटल खर्चा कितना किया है? मटेरियल लेबर ओवरहेड इज 22500। 500 kg आपका फिनिश गुड्स है और 500 kg अभी भी मशीन के अंदर है। ये आपका जूस निकल के बाहर आ गया, लेकिन ये आपका क्या है? इज ए WIP। WIP इज अंडर द मशीन है, अंडर द प्रोसेस है। आपको ये पता करना है कि हाउ मच इज द फिनिश गुड्स एंड हाउ मच इज द WIP। ओके, तो सपोज इसके लिए हमको किसकी हेल्प लगेगी? इसके लिए हमको हेल्प लगेगी प्रोडक्शन मैनेजर की। वो आपको बताएगा कि व्हाट इज द कंप्लीशन परसेंटेज। कंप्लीशन मीन्स कितना कंप्लीट हो चुका है। सपोज वो बोलता है कि ये 50% कंप्लीट हो चुका है। वो आपको क्या बोलता है कि सपोज दिस इज 50% कंप्लीट। इट मीन्स इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स ये क्या हो जाएगा? 500 इंटू 50% एंड दिस कम्स टू 250। इक्विवेलेंट, इक्वल टू फिनिश गुड्स ये कितना हो गया? 250। ये अपने को कौन बताएगा? ये हमको नहीं पता चलेगा। वी आर ए फाइनेंस का पर्सन, राइट? वी आर नॉट ए टेक्निकल पर्सन, वी आर नॉट प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बोलेगा कि दिस इज 50% कंप्लीट, राइट? प्रोडक्शन मैनेजर आपको बोलेगा 50% कंप्लीट। 50% मीन्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल। इक्वल टू फिनिश गुड चाहिए क्या हो जाएगा आपका? 250 kg। इट मीन्स 500 प्लस 250 आपका कितना हो जाएगा? 750। आपने खर्चा कितना किया? 22500 डिवाइडेड बाई 750। आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा? 30। इट मीन्स 22500, 22500 डिवाइडेड बाई 750। आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा? 30 rupees पर केजी। इट मीन्स 30 × 500 वैल्यूएशन कितना होगा? 15000। एंड 30 × 50% कंप्लीट है ना। इट मीन्स दिस कम्स टू 7500 एंड टोटल कम्स टू 22500। यही एग्जाम्पल को हम लोग एकदम सिस्टमेटिक लेते हैं, राइट? अपने को क्या है? इट मीन्स दिस इज गिवन, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, 7.1 इन सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक में आपका एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 7.1। आपको क्या गिवन है? सपोज गिवन देर इज ए इनपुट एंड इनपुट इज 1000 kg। आउट ऑफ दिस देर इज ए फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स इज 500 kg। देर इज ए WIP, WIP इज 500 kg एंड विच इज 50% कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड 7500, 7500 एंड 7500, टोटल इज 22500। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। आर यू गेटिंग नॉट फ्रेंड? सॉल्यूशन बुक में आपको देखना है एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 7.1। गिवन है आपको इनपुट, इनपुट 1000 kg, फिनिश गुड्स 500, आपका WIP 500 विच इज 50% कंप्लीट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड 7500, 7500, 7500,
22,500। हमको ये पता करना है कि आउट ऑफ दिस फिनिश गुड्स का क्या कॉस्ट है एंड WIP का क्या कॉस्ट है। तो गो वेरी सिस्टमेटिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपने स्टेप्स रहेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर वन, दिस इज नोन योर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर सेट फॉर्मेट में आपको चलना है। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल, इट मींस परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी। व्हाट इज योर इनपुट, आपने इनपुट डाला था सपोज से 1000 kg, एग्जांपल वन में आपको दे रखा ना, आपने कितना इनपुट डाला था 1000 kg, उसमें आपका फिनिश गुड्स आ रहा है 500 kg। किसी भी गुड्स को हम लोग कब फिनिश गुड्स बोल सकते हैं, 100% कंप्लीट इन केस ऑफ मटेरियल, 100% कंप्लीट इन केस ऑफ लेबर एंड 100% कंप्लीट इन केस ऑफ ओवरहेड। 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 100% इन केस ऑफ लेबर, 100% इन केस ऑफ ओवरहेड। देन देयर इज ए क्लोजिंग WIP। व्हाट इज द क्लोजिंग WIP? 500। बट व्हाट इज द कंप्लीशन परसेंटेज, वो आपको देख के रखेगा। वी आर ए कॉमर्स का पर्सन, राइट? वी आर नॉट टेक्निकल मैन। टेक्निकल पर्सन आपको बोल के रखेगा 50% कंप्लीट, इट मींस दिस इज 250, 50% कंप्लीट इट मींस 250 एंड 50% कंप्लीट इट मींस 250। इट मींस टोटल 1000, टोटल 1000, टोटल 750, टोटल 750 एंड टोटल 750। दिस इज क्लियर? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कब बनेगा, ये स्टेटमेंट कब बनेगा, व्हेन आपके पास फिनिश गुड्स है उसके साथ WIP है। इनपुट पार्टिकुलर्स देन आउटपुट, दिस इज योर मटेरियल, दिस इज योर लेबर, दिस इज योर ओवरहेड। मटेरियल परसेंटेज क्वांटिटी, लेबर परसेंटेज क्वांटिटी, ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी। इनपुट हम लोगों ने कितना डाला, एग्जांपल पे दे रखा है 1000 इनपुट, उससे फिनिश गुड्स मिला 500। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स का बोल सकते हैं 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 100% इन केस ऑफ लेबर, 100% इन केस ऑफ ओवरहेड। देन देयर इज ए क्लोजिंग WIP। कितना क्लोजिंग WIP है? 500। 50% टू 50, 50% टू 50, 50% टू 50, इनपुट 1000, आउटपुट 1000, 750, 750 एंड 750। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर? आगे आपको इसका मतलब, वी आर कंसर्न विद दिस, हमारा आउटपुट है ये, दिस इज इक्वल टू फिनिश गुड्स। इक्वल टू फिनिश गुड्स कितना है? 250, 250, 250। आउटपुट तो 500 है, लेकिन हमको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स इक्वल टू फिनिश गुड्स। इक्वल टू फिनिश गुड्स कितना है? 757। गो वेरी सिस्टमेटिक, देन यू गो, दिस इज योर स्टेप नंबर टू, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी, इट मींस मटेरियल देन लेबर एंड देन ओवरहेड। 7500, 7500, 7500 डिवाइडेड बाय, दिस इज योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 750, 750, 750। योर कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी इक्वल टू 10, 10, 10। और कॉस्ट पर केजी विल बी स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट कॉस्ट पर केजी, टोटल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, 7500, 7500, 750, 750, कॉस्ट पर केजी इज 10, 10।
देन आपका आएगा फ्रेंड्स स्टेप नंबर थ्री, दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, फर्स्ट फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्वांटिटी कॉस्ट पर केजी एंड टोटल, दिस इज 500, 500, 500, माय कॉस्ट पर केजी इज 10, 10, 10, टोटल कॉस्ट 5000, 5000, 5000 इज 15000, then WIP, closing WIP, this is your closing WIP, material labor overhead 250 into 10 10 10, 2500 is 7500. ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन डब्ल्यू आई पी, क्वान्टिटी 500 500 500, कॉस्ट पर के जी 10 10 10, मटेरियल का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़, 10, लेबर का क्या है 10, ओवरहेड का 10, मटेरियल लेबर ओवरहेड 250 250 250, 10 10 10, 2500 2500 7500, 15000. देन यू गो टू स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, एंड दिस इज योर स्टेप नंबर फोर, और इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, योर प्रोसेस अकाउंट, राइट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 1000 7500 7500 7500, बाय फिनिश गुड्स 500 15000, बाय डब्ल्यू आई पी 500 7500, टोटल 1000, दिस इज 22500, टोटल 1022, सही है सर नंबर्स, ये आपका प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया। ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, सही है सर नंबर्स, परफेक्टली समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल, प्रॉपर, ऑलराइट, ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ यू रिफर योर एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल नंबर टू, एंड दिस इज पिक्ड अप फ्रॉम सॉल्यूशन बुक ओनली, एंड सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर है 7.2, पिक्ड अप फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक में ही मैंने आपको ये दे रखा है, राइट, एग्जाम्पल टू पेज नंबर, इनपुट अगेन अपने को दे रखा है, दिस इज द इनपुट, इनपुट इज 1000 kg, आउट ऑफ दिस देर इज ए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आपको क्या दे रखा है 600 kg, और डब्ल्यू आई पी आपको दे रखा है 400, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 50% एंड 50%, इसका मतलब आपको इनपुट दे रखा है, इनपुट इज 1000 kg, फिनिश गुड्स 600, डब्ल्यू आई पी 400, और डब्ल्यू आई पी 100 50 50, मटेरियल लेबर ओवरहेड, सही है सोनो, एंड अपने को कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड इज 10000, देन 8000 एंड योर 16000, इट मींस टोटल आपका आता है 34000, वेरी सिंपल, और आपसे पूछा जाएगा कि प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यू आई पी, ये सिचुएशन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर टू, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सेम वे, इट मीन्स अगेन
दिस इज योर स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. क्या दे रखा है फ्रेंड्स अपने को, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. इट मीन्स योर इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट सेम फॉर्मेट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज एंड क्वांटिटी. व्हाट इज योर इनपुट, योर इनपुट इज 1000. व्हाट इज योर फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स इज 600. व्हेन कैन यू से इट इज अ फिनिश्ड गुड्स, व्हेन 100% इन मटेरियल 100% लेबर 100% ओवरहेड. इट मींस 100% 600, 100% 600 एंड 100% 600. देन यू गो टू WIP 400, 100% 400 गिवन ना लेवल ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल लेबर 200 ओवरहेड 200. इट मींस इनपुट 1000, आउटपुट 1000, मटेरियल 1000, लेबर 800 एंड ओवरहेड 800. सही है सोनो फ्रेंड्स. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी, इनपुट 1000, फिनिश गुड्स 600, 100% 600, 100% 600. किसी भी गुड्स को हम लोग फिनिश गुड्स कब बोल सकते हैं, 100% मटेरियल 100% लेबर 100% ओवरहेड. WIP 400, 100% 400, 50% 200, 50% 200, 1000, 1000, 1800. सही है सर, ये अपना जो मेन अपना है, दिस इज दिस वी आर कंसर्न विद दिस. दिस इज तो जस्ट टैली करने के लिए, इनपुट कितना डाला आउटपुट कितना आया. लेकिन हमारा जो है, हमारा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, इक्विवेलेंट मींस इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स और इक्वल टू फिनिश गुड्स कितना, तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे ना उसको. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर जगह आएगा, आपको FM में भी आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको अकाउंट्स में आएगा, आपको ऑडिट में आएगा, आपको हर जगह इसका यूज आएगा. राइट, कॉस्टिंग में तो हर जगह यूज आएगा. ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या खर्चा किया था, इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर टू एंड दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट 10,000, 8,000, 16,000 डिवाइडेड बाय 1,000, बोलो 800 एंड 800. जो कॉस्ट पर के जी विल बी 10, 10 एंड 10. सही है सोनो फ्रेंड्स, कॉस्ट पर के जी आपका क्या आ जाएगा, बोलो 10, 10 एंड 20. सॉरी, दिस इज 20. परफेक्टली क्लियर ऑन नोट, गो वेरी सिस्टमेटिक. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर के जी, इट मीन्स मटेरियल लेबर ओवरहेड, टोटल कॉस्ट 10,000, 8,000, 16,000, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1,800, कॉस्ट पर के जी 10, 10 एंड 20. देन यू गो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, देन फिनिश गुड्स क्वांटिटी
रेट अमाउंट मटेरियल लेबर ओवरहेड 600 600 600 देन WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड 400 200 200 इनटू व्हाट इज द कॉस्ट 10 10 10 दिस कम्स टू 6000 दिस कम्स टू 6000 दिस कम्स टू 6000 एंड टोटल इज 18000 10 10 10 दिस कम्स टू 4000 दिस कम्स टू 2000 दिस कम्स टू 2000 एंड टोटल इज 8 सही है सुनो परफेक्ट सॉरी दिस इज 20 रुपीज पर केजी ना फ्रेंड्स ओवरहेड सही है आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन फिनिश गुड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड 600 600 कॉस्ट हम लोगों ने निकाला था 10 10 20 बोलो ये 10 ये 10 और ये 20 सही है सुनो फ्रेंड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड 400 200 10 10 10 4000 2000 4000 एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस अकाउंट This is total of Say yes or no. Step number 4. Say yes friends. All right friends, अब अपन क्या बना लेंगे इज ए प्रोसेस अकाउंट बराबर प्रोसेस अकाउंट इट मीन्स टू मटेरियल टू लेबर एंड टू ओवरहेड इनपुट 1000 कॉस्ट 10000 कॉस्ट 8000 एंड 16000 is 1000 is 34 okay by finished goods 600 and 24 and by WIP 410 and total is 1034000 main is your format आपको फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखना है करके ना मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं ताकि आपका एक एक कंसेप्ट एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए और एक एक कंसेप्ट एक एक एग्जाम्पल को मैंने तीन तीन तरह से सॉल्व किया है ताकि आपको ना एक एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली समझ में आए करके ना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो अब आप आ जाइए फ्रेंड्स बहुत अच्छा अपन लेते हैं दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी सॉल्यूशन बुक में ही दे रखा है सॉल्यूशन बुक में ये बुक आपको साथ में रखना पड़ेगा अगर अच्छे से समझना है इस 7.4 इनपुट अपने को दे रखा है 1000 केजी नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 1000 इज 100 स्क्रैप वैल्यू 1 WIP 400 है आपका 100% मटेरियल कंप्लीट है लेबर 50% कंप्लीट है ओवरहेड 50% कंप्लीट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको दे रखा 9100 लेबर 7000 ओवरहेड 7000 इफ एक्चुअल फिनिश गुड्स 500 हुआ 550 हुआ या 400 हुआ मतलब तीनों सिचुएशन आपको एक नॉर्मल सिचुएशन
एक एबनॉर्मल लॉस वाली सिचुएशन, एक एबनॉर्मल गेन वाली सिचुएशन। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है सेम वे, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन। बहुत ध्यान से सुनिए, इट मीन्स योर इनपुट, वॉट इज योर इनपुट इज ए 1000 kg। ये पहला सिचुएशन में ले रहा हूँ, अगर आपका इफ योर आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू से 500 kg, 500 kg अगर आपका आउटपुट हुआ है फिनिश गुड्स, वो सिचुएशन में आपको रहना, इनपुट 1000 डिवाइडेड टू दिस इज योर नॉर्मल लॉस। वॉट इज योर नॉर्मल लॉस? योर नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ 1000 is 100. Then what is your expected output? Expected output is 900 kg. उसमें से there is a closing WIP, अभी भी मशीन के अंदर है, is 400 kg, right? Material, labor, overhead. Material complete है 100%, labor आपका complete है 50%, overhead आपका complete है 50%. It means your फिनिश गुड्स आपका क्या हो जाएगा इज 500 kg। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे? जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। सही है सोनो फ्रेंड्स, क्या हम लोग कर रहे हैं? एग्जाम्पल 3 मैंने आपको दे रखा है सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर 7.4 पर। वर्किंग नोट नंबर 1, इनपुट आपको क्या दे रखा है 1000 kg, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 1000 इज 100, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 900, क्लोजिंग WIP 100, 400, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100, 50-50, फिनिश गुड्स आपका 500, और एक्चुअल में भी आपको फिनिश गुड्स कितना मिल रहा है 500। इसका मतलब देर इज नो एबनॉर्मल गेन, देर इज नो एबनॉर्मल लॉस। ये अगर आपने कर दिया ना फ्रेंड्स, मैं आगे चल कर आपको कराऊंगा, कोई भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है अगर आपने इस तरह से पुट कर दिया आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। अब आप आ जाइए सबसे पहले योर आपका स्टेप नंबर 1, ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, राइट? फर्स्ट इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी। इनपुट क्या है अपना? इनपुट 1000, राइट? उसमें से अपने को दे रखा है देर इज ए फिनिश गुड्स 500। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे? 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 100% इन केस ऑफ लेबर, एंड 100% इन केस ऑफ ओवरहेड। देन यू गो WIP इज 400, 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 50% इन केस ऑफ लेबर, 200 एंड 50% इन केस ऑफ ओवरहेड। देन देयर इज ए नॉर्मल लॉस 100। अब नॉर्मल लॉस आउटपुट मींस स्क्रैप मिला इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स और इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स आपका ये क्या हो जाएगा? Is 0. It means input 1000, आपका output 1000, this is your 900, this is your 700 and this is your 700. ये मुझे बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बताइए whether this is clear or not. आपका equivalent production, it means statement showing
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, इनपुट 1000, फिनिश गुड्स 500, 100% 500, 100% 500, 100% 500, WIP 400, 100% 400, 50% 250, 50% 250, नॉर्मल लॉस 100, नील 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 1000, 1900, 700. हमें इससे मतलब है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या रहेगा, 900, 700 एंड 700. सही है सर, 900, 700 एंड 700. नाउ यू गो टू स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू इज योर, बोलो, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग योर कॉस्ट पर केजी मटेरियल. व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट 9100 लेस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस. आपको रियलाइजेशन दे रखा है नॉर्मल लॉस का 100 इंटू 100, इट मीन्स आपका नेट मटेरियल कॉस्ट कितना बचा, 9000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 900. इट मीन्स आपका कॉस्ट, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज ए कॉस्ट पर केजी विल बी 10, देन लेबर एंड देन ओवरहेड 7000, 700, 700, 10 and 10. सही है सर. क्या हम लोग कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर के जी मटेरियल 9100, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस 100, 9900, 10, लेबर 10 रुपीस, ओवरहेड 10 रुपीस. सही है सर फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना. देन यू गो टू स्टेप नंबर थ्री. दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री. व्हाट इज स्टेप नंबर थ्री? इज ए स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, मटेरियल, लेबर, ओवर. आपको ये पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. 500, 500, 500 into 10, 10, 10. 5000, 5000, 5000. पूरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं ना बुक में, प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे रखा है. मैं तो यहाँ आपको शॉर्ट में बता दूँ, राइट. देन क्लोजिंग WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड इज 400, 200, 200 into 10, 10, 10. 4000, 2000, 2000 and 8000. Say yes or no. This is what your valuation of finished goods, valuation of WIP, material, labor, overhead, 400, 200. ये total आपका 15000 cost per kg अपन ने निकाला ही था 10, 10, 10. उसके बाद process account simple. This is your टू मटेरियल टू लेबर
टू ओवरहेड कितना है 1000, 9100, 7000, 7000 बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट 100 100, सब कुछ तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में है, आपको जरा कॉन्सेंट्रेट करना है बस, बाय फिनिश गुड्स बाय WIP, WIP 400, फिनिश गुड्स 500, दिस इज 15000 एंड दिस इज योर 8000, सो दिस टोटल कम्स टू 23100, दिस इज 1000, दिस इज 1000 एंड दिस इज 23, बताइए आप मुझे फ्रेंड्स, प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड 1000, नॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स WIP. सही है सर, प्रोसेस अकाउंट क्लियर, और उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, दिस इज योर नॉर्मल लॉस अकाउंट, इट मीन्स टू प्रोसेस अकाउंट 100 100 एंड बाई कैश 100 एंड बाय कैश आपका क्या हो जाएगा 100 and 100, सब कुछ तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है। अब दूसरा मैं सिचुएशन लेके चलता हूं कि अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन होता है 550, एक एक सिचुएशन, लेकिन ऑल थ्री केसेस में योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम, इन ऑल थ्री केसेस में योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम। सो सपोज सेकेंड सिचुएशन, इट मीन्स इफ एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू, इफ एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू 550 kg, if actual output equal to 550 kg, it means this is your working note, बराबर, input 1000 kg, normal loss 10% of 1000 is 100, expected output is 900, closing WIP is 400, expected finished goods is 500, actual finished goods is 550, and that's why there is a abnormal gain of 50. Very very important one, बहुत ध्यान से आप सुनिए, कोई भी आपको इतने अच्छे से ये कंसेप्ट नहीं सिखा सकता है। इट मीन्स इफ एक्चुअल आउटपुट इज 550 kg, इफ एक्चुअल आउटपुट इज 550 kg, वर्किंग नोट इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 1100, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900, क्लोजिंग WIP 400, एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स 500, एक्चुअल इज 550 एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए एबनॉर्मल गेन ऑफ 50। मीन्स मैंने डाला था 1000, उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 100, मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट है 900, अभी भी मशीन के अंदर 400, तो मुझे मिलना चाहिए 500, मिल रहा है 550। इट मीन्स आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। If you are going to recover, you cannot survive because your cost of production will increase. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये अगर ये चार्ट में अगर आपने पुट कर लिया, कभी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई मेरे को
इनपुट है 1000, मेरा नॉर्मल लॉस है 100, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900, क्लोजिंग WIP 400, एक्सपेक्टेड 500, 550 आ रहा है, इट मीन्स मुझे एबनॉर्मल गेन होगा 50 का। इट मीन्स क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इट मीन्स इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी इनपुट, इनपुट इज 1000 फिनिश गुड्स 550। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे, 100% 550, 100% 550, 100% 550। देन देयर इज ए क्लोजिंग WIP, बराबर। व्हाट इज द क्लोजिंग WIP इज 400। व्हाट इज द कंप्लीशन परसेंटेज, 100% 400, 50% 200, 50% 200। देन देयर इज ए नॉर्मल लॉस 100, nil, क्योंकि नॉर्मल लॉस आउटपुट तो है लेकिन इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स नहीं है। हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा है फिनिश गुड्स और इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स। नॉर्मल लॉस ना तो फिनिश गुड्स है ना इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स है। इट मीन्स हमने डाला था 1000, कंसेप्ट समझना, हमें मिल रहा है 1050, हमें कितना मिल रहा है 950, हमें कितना मिल रहा है 700, हमें कितना मिल रहा है 750, हमें कितना मिल रहा है 750। अब हमने डाला है 1000 और हमें मिल रहा है 1050, हमेशा तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। हमने क्या बोला कि हम 1000 अगर डालेंगे, हम अगर 1000 डालेंगे तो हमें 1000 ही चाहिए, इसका मतलब लेस योर एबनॉर्मल गेन ऑफ 50, 100% 50, 100% 50 एंड 100% 50। इट मीन्स 1000, 1000, 900, 700, 7, हर केस में। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो, हर केस में। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सही है सो नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, बोलो। इसका मतलब हमने अगर 1000 डाला है तो हमें आउटपुट कितना चाहिए, 1000 एंड दिस, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनपुट 1000, फिनिश गुड्स 550। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोल सकते हैं, 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, क्लोजिंग WIP 400 गिवन है, 100% मटेरियल कंप्लीट, 50% लेबर, 50% ओवरहेड, नॉर्मल लॉस 100, 1000 डाला आ रहा है 1050, 950, 750। हमने डाला 1000 तो हमें 1050 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओनली 1000। तो क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन 50 को डिडक्ट कर दो आप, एबनॉर्मल गेन रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रोफेसर को आप लॉजिक पूछो, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है
एज पर प्रोफेसर दानी, ब्रैकेट दानी की कॉस्टिंग, जब तक समुंदर में पानी रहेगा कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा। एग्जामिनर जैसे ही ये सॉल्यूशन देखेगा समझ जाएगा, वाइफ को फोन करेगा, आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, व्हाई, व्हाट हैपेंड, आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी जिनका संसार में इतना नाम है, और आपको 100 में से 100 मार्क्स दे देगा मेरे डियर, चेक भी नहीं करेगा सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट सी तो आपको मेन सिखाने हैं करके ना, व्हाट इज दानी की कॉस्टिंग, आपको ऐसा लगना चाहिए मजा आ रहा है करके ना। आर यू गेटिंग नोट? 1900, नाउ गो, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेटमेंट showing cost per kg. Materials, total cost. Materials, total cost. Same of total cost. This is your 9100. Realization from normal loss. 100 into 1, 100, 9000 divided by equivalent production 900, your cost per kg is 10. Labor overhead 7000, 700, 10. हर केस में यहाँ से उसको पता चलेगा एग्जामिनर को कि यू आर फ्रॉम दानी की कॉस्टिंग, चाहे नॉर्मल लॉस है, चाहे एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम, हमेशा आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा, सेम, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। इसके लिए मैं एक ही एग्जाम्पल को 3-3 बार करा रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, योर कॉस्ट पर केजी, आपका जो कॉस्ट पर केजी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। ओके, it means next step number 3, this is your statement showing valuation, first फिनिश गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवर, सब कुछ आपको दे ही रखा है प्रिंटेड फॉर्म में, क्वांटिटी, रेट, एंड आप कॉन्सेंट्रेट करिए मेरे सॉल्यूशन पे, राइट, कितना है आपका 550 इंटू 10 क्या आएगा आपका 5500 16500, देन WIP मटेरियल लेबर ओवर है 400 200 200 इंटू 10 इज 4000, 2000 is 2000 is 8000, then there is a abnormal gain, material labor overhead, abnormal gain 50 into 10 500 आपका सिंपल सा सेम फॉर्मेट में आपको फिनिश गुड्स, WIP, एबनॉर्मल गेन, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई व्हाट इज द कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा सेम वे, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, तो कॉस्ट पर कीजिए आपका क्या रहेगा, सेम। इट मीन्स दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट,
सब कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है, वहाँ से आप बराबर से प्रेजेंटेशन देख सकते हो करके ना फ्रेंड्स। टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवर हेड, 1,000, 9100, 7,000, 7,000 बाय नॉर्मल लॉस 100, 100 बाय फिनिश गुड्स 5,500, 16,500 बाय WIP 400, 8,002 एबनॉर्मल गेन अकाउंट 50 and 1,500। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? बताइए। इट मीन्स टोटल आपका हो जाएगा 100 + 16,500 + 8,000 = 24,600, 100, 500, 400 9100, 7,000, 7,000, 24,600 This is your normal loss account, abnormal gain account, two process account, 100, 100 by process account 50, 50। सही है सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कितनी बार के पहले एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करेंगे, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट बाय कैश अकाउंट 50, 50, 1 रुपये के हिसाब से है 50, 50, टू नॉर्मल लॉस 50, 50, ओके, एंड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट इज 1,450। P&L अकाउंट में कितना चला जाएगा फ्रेंड्स सबका बोलो? 1,450। ये क्लियर हुआ कि पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट में 100 आया, लेकिन हम कितना बेच पाएंगे, पहले एबनॉर्मल जो गेन है उसको एडजस्ट करने का और उसके बाद देंगे ट्रांसफर। क्लियर ऑन फ्रेंड्स? ऑलराइट, अब लास्ट आप आ जाइए सिचुएशन 3। इफ आउटपुट इज, इफ आउटपुट इज 400 kg, इट मीन्स इनपुट इज 1,000 kg, नॉर्मल लॉस 100 kg, 900 kg, क्लोजिंग WIP 400, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100, 50, 50, एक्सपेक्टेड फिनिश्ड गुड्स इज 500, बट एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है? ओनली 400 kg, दैट्स वाई देर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 100 kg। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स बोलो? इनपुट इफ आउटपुट इज 400 kg, इनपुट 1,000, नॉर्मल लॉस 100 kg, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900,
क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 400, 100, 50-50, एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स 500, एक्चुअल 400 एंड एबनॉर्मल लॉस 100. यस और नो? परफेक्टली क्लियर. ये फॉर्मेट में अगर आपने पुट कर दिया ना फ्रेंड्स, देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपका काम हो जाएगा. हर केस में मैं आपका कॉस्ट पर के जी क्या रहेगा, हर केस में आपका कॉस्ट पर के जी क्या रहेगा, आपका कॉस्ट पर के जी क्या रहेगा, सेम. आपका कॉस्ट पर के जी क्या रहेगा, सेम. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमें नॉर्मली देखना है. ओके गो. इट मीन्स दिस इज योर स्टेप नंबर वन. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी इनपुट 1000 फिनिश गुड्स 400 100% 400 100% 400 एंड 100% क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 400 100% 400 50% 200 50% 200 नॉर्मल लॉस 100 नील नील नील. इट मीन्स मैंने इनपुट डाला 1000 आउटपुट आया 900 आउटपुट आया 800 आउटपुट आया 600 आउटपुट आया 600. सही है सर. ये मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन मिल रहा है. मुझे क्या चाहिए, 1000 डाला है तो 1000, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको क्या करेंगे, एड 100% 100% एंड 100%. क्योंकि ये फिनिश गुड्स मेरे को मिलने वाला था लेकिन वो फिनिश गुड्स नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या हो गया, 1900 700 एंड 600. ये मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है. मुझे नॉर्मल प्रोडक्शन चाहिए, मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं चाहिए. बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. वॉट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट वॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर एकदम. इसका मतलब क्या हुआ कि एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो आपको एड करना है. 1000 हमने डाला है तो हमको 1000 आउटपुट ही हमको चाहिए. 1000 डाला है तो हमको 1000 आउटपुट ही चाहिए. अरे बैठे हो, उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स स्टेप नंबर टू. दिस इज योर स्टेटमेंट showing cost per kg materials total cost 9100 realization from normal loss.
900 700 कॉस्ट पर केजी विल बी 10 10। हर केस में आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा? सेम, इट मीन्स 10 10 10। हर केस में आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा? सेम। हर केस में आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा? सेम। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो रहा। नो कंफ्यूजन। देन उसके बाद आपका आएगा स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 400 400, फोर थाउजेंड इज WIP, 400 200, 10 and 10, 4000 2000 1000 is 8000। Then there is a abnormal loss, material, labor, overhead, 100 100 and 100। See, yes or no? कॉस्ट पर के जी 10 10 10, 1000 1000 1000 is 3000। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। ये आपका क्या हो जाएगा? WIP। ये आपका क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। टोटल 12 8 and 3। एंड देन फाइनली प्रोसेस अकाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर अकाउंट, टू ओवरहेड अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस, बाय abnormal loss account, by finished goods account, by WIP account। normal loss account, abnormal loss account, two material, 1000 9100, to labor 7000, to overhead 7000, by normal loss 100 100 100, 3000 400 400, finished goods 12000, and WIP 8 23 100, 1000 1000, 23 normal loss 2, process account 100 100, 2 process account 100, 3000, by cash 100 100। ये भी आपका 1 रुपये के हिसाब से ही बिकेगा, कि पर्सन हुज परचेजिंग योर गुड्स, ही इज नॉट कंसर्न की नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इज बाई कॉस्टिंग P&L अकाउंट 2900।
यस और नो फ्रेंड्स, आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। ये आपके क्या थे एग्जाम्पल्स थे, मतलब ना क्यों मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि हर केस में चाहे आपका आउटपुट नॉर्मल था या एबनॉर्मल गेन था या एबनॉर्मल लॉस था, आपका कॉस्ट पर केजी तीनों सिचुएशन में क्या था, 10 10 10। तो इसको एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से समझिए तो क्या आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि WIP आपको बहुत हैरान करेगा आगे चल के, WIP का आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेगा आगे चल के। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से करिए करके ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करिए, बेसिक एग्जाम्पल को, है ना, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि अगर एबनॉर्मल गेन रहेगा तो हमको माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो टेबल में ऐड करना है। प्रेजेंटेशन आपको एक सेट हो जाएगा, फॉर्मेट बार 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 एक ही एग्जाम्पल करोगे, क्योंकि अब जाके अपना सब हो जाएगा, ठीक, ओके। तो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके सम्स अपन डिस्कस कर देंगे, ओके, थैंक यू।